बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूअर्स? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल राबी नूर व्लॉग। तो नाज़रीन, आज मैं आपको सराब घोट में अलमुनी इंटरप्राइजेस में लाई हूँ। नाज़रीन, यहाँ आने का रीज़न कुछ यूँ है कि जिस तरह पाकिस्तान में पहली बार में ऐसा हुआ है कि जो डबल डेकर बस है वो ईजाद हुई है, बल्कि भी है, मैं देखा है, तो सोचा आप लोगों को भी इसका रिव्यू करवाऊँ। मैं आपको मुकम्मल रिव्यू करवाऊँगी, बस के अंदर की भी मनाजिर दिखाऊंगी। नाज़रीन, वीडियो आपने एंड तक देखनी, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो नाज़रीन, अगर आप इतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होगा और शफकत का इजहार होगा। चलिए, मैं आपको यहाँ का पूरा रिव्यू करवाती हूँ, इस बस का पूरा रिव्यू करवाती हूँ। और जो लोग क्वेटा जाना चाहते हैं या दूर दराज से सफर करना चाहते हैं, बिजनेस क्लास के सारे मजे, सारा फन आप लोग इस बस में कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बस है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मैंने देखी है। रिमाइंडर है आपको इसका रिव्यू करवाते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, राबिया नूर व्लॉग की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आपको एक हैरत अंगेज चीज बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली दफा ट्रिपल डेकर बस, ठीक है, जो सफर के शौकीन हैं, जो जैसे मुख्तलिफ शहरों में इलाकों में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जो है जहाज के मजे जो है वो गाड़ी में मिले, उसके लिए पहली दफा ट्रिपल डेकर बस। इसकी आप देख लें, ये नीचे का इसका एक आप लुक देखें, ये दरवाजे माशाल्लाह कार की तरह हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसका दूसरा स्टेप देखें, ये रहा, और तीसरा स्टेप देखें, वो ऊपर है। हम आपको इंशाल्लाह तीनों स्टेप आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस स्टेप में लेके जाता हूँ, या मैं अंदर आ रहा हूँ, ये देखें, अभी इजी फील हो के, ये देखें, बिल्कुल आराम सुकून के साथ में लेट गया। ऊपर काफी स्पेस है इसमें, और माशाल्लाह से लाइटिंग आप देख सकते हैं इसमें कितनी जबरदस्त लाइटिंग की हुई है। यहाँ पर ये छत की आप डेकोरेशन देखें, सामने आप ये देखें कि 32 इंच की जो है एलईडी लगी हुई है, और बिल्कुल इजी फील हो के आप जो है ना इसमें सफर कर सकते हैं। दो बंदों के लिए बहुत आसानी से आप यहाँ आराम सुकून के साथ फैमिली के साथ प्राइवेसी के अंदर सफर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये देखें, ये बटन वगैरह दिए हुए हैं, ये बेल दी हुई है, अगर आपने ऊपर कोई बात करनी है, कोई चीज ऑर्डर करनी है, तो आप ये बेल दबाएंगे, सीधा उधर घंटी बजेगी और इसके इंटरकॉम पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, गाड़ी रुकवाना चाहते हैं या कोई भी मसला है, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको डस्टबिन दिया गया है, अगर कोई चीज आपने रिमूव करनी है आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपको एक खास चीज बताता हूँ, ये देखें, ये फ्रिज है, ये अब ठंडी पानी की बोतलें पड़ी हैं, ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल पुरसकून माहौल प्राइवेसी के साथ, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज ये देखें, ये इस तरफ शीशे लगे हुए हैं, अगर आप दो की जगह तीन बंदे हैं और तीसरा बंदा आपका वहां बैठा हुआ है, तो ये आप शीशा खोल के उसके साथ आप बात बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं, आपने प्राइवेसी करनी है, ये शीशा बंद किया या आपने कपड़ा आगे कर दिया, आपकी मुकम्मल प्राइवेसी है, मुकम्मल सुकून से आप इजी फील होके सफर कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सर्दी लगे, फुल एसी चल रहा होगा, ठंडा माहौल, अगर सर्दी लगे तो कंबल आपके पास है, ठीक है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी आपको यहाँ पर। और इतना जबरदस्त माहौल, ये स्पीकर इन्होंने दिए हुए हैं, यकीन माने ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी जहाज का कोई स्पेशल बिजनेस क्लास केबिन है उसके अंदर बैठा हुआ हूँ, ऐसा जबरदस्त माहौल। और ये बिल्कुल, ये देखें, हालांकि थोड़ा हेल्दी हूं, मेरा जिस्म थोड़ा भारी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कोई मुझे इसमें कोई मसला परेशानी, पांव मेरे जो है वो बिल्कुल सुकून से, और पूरा जैसे बंदा लेट जाता है इस तरीके से हूं मैं, बिल्कुल सुकून से। चले आए, अब आपको मैं ऊपर का जो विजिट करवाता हूँ, ऊपर का केबिन आपको दिखाते हैं, चले आए, चलते हैं ऊपर। नाज़रीन, ये हम आपको ऊपर वाला केबिन अभी दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खुला केबिन है। यहाँ पर ये जो ड्राइवर साहब यहाँ बैठेंगे, ये ड्राइवर साहब के बैठने की जगह है, ये देखें, आ जाए भाई, ये देखें, ये स्क्रीन रखी हुई है इनके सामने, ये बटन वगैरह सब बेहतरीन। और ये भी आपको केबिन की तरफ अंदर लेके जा रहे हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं जी, लाइटिंग देखें यहाँ पर कितनी जबरदस्त लाइटिंग है। अच्छा, ये इस तरफ दो बंदों का सेटअप है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला केबिन है नाज़रीन, और ये देखें, ये नीचे वाला केबिन है, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर भी मुकम्मल प्राइवेसी के साथ अगर आप सफर करते हैं, आप ये पर्दा आगे कर लें, ये ठीक है। और अगर आपने
प्राइवेसी नहीं रखनी तो आप पर्दा पीछे कर लें, इजी फील हो के मुकम्मल एसी वाला माहौल, मुकम्मल पुरसकून। हर केबन के अंदर आपको एलसीडी मिलेगी, हेडफोन मिलेगा, रिमोट कंट्रोल, कंबल वगैरह, हर चीज आपको मिलेगी। ये देखें, इस तरफ ये एक बंदे के लिए सिस्टम, ये देखें स्पीकर लगे हुए हैं, लाइटिंग की हुई है बेहतरीन, ये देखें हेडफोन लगा हुआ है, ये स्क्रीन नाजरीन आप देख सकते हैं, हर केबन के अंदर आपको स्क्रीन मिल जाएगी। अच्छा, ये नीचे का आपको दिखा रहे हैं, ये देखें ये कंबल, ये स्पीकर, ये स्क्रीन और ये बेहतरीन, और ये जो है लाइटिंग, और ये नीचे देखें कालीन, और बेहतरीन नाजरीन यकीन माने कि एसी लग्जरी गाड़ी। हाँ, एसी लग्जरी गाड़ी आपने इससे पहले नहीं देखी होगी, और यकीन माने कि मजा आ जाए ऐसी गाड़ी में सफर करके। ये भी दो बंदों के लिए, ये भी दो बंदों के लिए, ये थोड़ा सा आगे आपको लेके जाते हैं। नाजीन, ये हमारे भाई हैं यूट्यूबर नईम अवान 717 के नाम से इनका चैनल है। ये इत्तेफाक से हम लोग आए थे तो यहाँ हमें मुलाकात होगी इनसे। ये भी अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने आए, तो जरा इनका भी रिव्यू जानते हैं। नईम भाई, कैसा लगा आपको ये गाड़ी? भाई यकीन जाने पाकिस्तान के अंदर और खासकर कराची के अंदर ये एक पहली बार ऐसा तोहफा दिया गया है अलमुनीर की तरफ से, कि ऐसा तोहफा जो है वो मैंने किसी और गाड़ी के अंदर नहीं देखा। यकीन जाने ट्रिपल टाइगर बस है, नीचे लग्जरी है, ऊपर जो है वो उससे भी बढ़ के यहाँ पर पूरी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। आगे तो सीटें इसके अंदर मौजूद हैं, बाकी यहाँ पर जो है अगर कोई फैमिली, कोई बंदा या लंच करना चाह रहा है तो यहाँ में जो बैठा हुआ हो, ये जो है इसका कंपाउंड है, कंपाउंडमेंट है ये, या इसको आप जो है कैसा कह लें, तो यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा नमाज पढ़ना चाहे तो यहाँ पर नमाज भी पढ़ सकता है। उसके अलावा यहाँ डीप फ्रीजर है, इसके अंदर जो है पानी भी आपको ठंडा मिल सकता है। और यहाँ पर अगर कोई चाय या कॉफी बनाना चाहे तो यहाँ गर्म कॉफी चाय भी जो है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई बंदा अपना सामान जो है वो सेपरेट करना चाह रहा है तो यहाँ ये सामान रखने की भी जगह यहाँ बनी हुई है। और उसके अलावा जो है यहाँ लेटने की, सोने की जगह जो खासकर ड्राइवर हजरात के लिए पीछे बनी हुई है, क्योंकि जो सवारी है उसको तो आगे जगह लेटने के लिए और पूरा उसको सेटअप दिया गया है। तो ये जगह खाना पीना और यहाँ नमाज की भी जगह यहाँ मौजूद है। तो मैं इनको बड़ी जो है वो अप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए तमाम लोगों को जो कराची से क्वेटा जा रहे हैं, और तमाम लोगों को जो है वो एक चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि भाई ये बस के अंदर जो है ना कचरा या किसी भी किस्म की कोई गंदगी फैलाने वाली हरकत आप प्लीज मत करें। तो एक पैसेंजर है जो सफर कर रहे हैं या क्वेटा से कराची तक के, तो जरा इनसे हम लोग इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका क्या नाम है? मलक नसीबुल्ला। मलक नसीबुल्ला सर, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कराची से क्वेटा। कराची से क्वेटा, तो ये आप मुनीर वालों के बस में जो आप ये कोच में जा रहे हैं ट्रिपल डेकर, जी जी, पहली दफा सफर कर रहे हैं? जी, आज इसका पहला दिन है। अच्छा, पहले इसका डबल डेकर था, अभी चीज है ना। अच्छा, लिमोजिन के साथ ही। इनकी सर्विस से मुतमईन है आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सर्विस है। बहुत। चार्जेस क्या ले रहे हैं आपसे? 4000 रुपए जो है ना इसके है, और नीचे लिमोजिन का जो है ना 5000 रुपए। 4000 रुपए में क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? यार हर चीज है वो बेहतरीन जो है ना, यहाँ तक की जो सहूलतें वो सब मिल रही है आपको? बहुत आला, बहुत आला, सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, बहुत आला, ठीक है। अल्लाह पाक आपके सफर को आसान बनाए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू। नाजीन, ये भाई से आपको बस के नजारे करवा रहे, जितनी इस बस की तारीफ की जाए वो कम है। ऐसी बस पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलेगी कि इससे पहले कभी इस तरह की बस किसी ने बनाई हो या किसी ने इस तरह की बस में सफर किया हो पाकिस्तान की तारीख में। ये देखें जी, पूरा जो है नीचे इस तरह कार वाला सिस्टम पूरा, ठीक है, और हर चीज की सहूलत। एक जो बंदे का ख्वाब होता है कि बिजनेस क्लास में मैं सफर करूं, तो बिजनेस क्लास की जो जितनी आपको सहूलतें हैं वो सब आपको इस एक बस के अंदर मिलेंगी। इस एक बस के अंदर बिजनेस क्लास की मुकम्मल सर्विस इस एक बस के अंदर। तो उम्मीद है नाज़रीन वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी, खास तौर पे जो हमारे क्वेटा जाने वाले जो भाई हैं उनको वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि उनके लिए ये बस है। और उम्मीद की जाती है अलमुनीर वालों से
कि इस तरह की बसें जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लिए भी चलाई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए नई नई वीडियो नई नई जगह जाके हम लोग बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी, वीडियो के लिए टाइम निकाला, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।